नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया नेशन प्रो। इस वक्त मैं नई दिल्ली क्षेत्र में मौजूद हूँ और जहाँ पे देखा जा रहा है गर्मी जो है वो सिर पे एकदम तप के रख रही है। 45 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर लोग अपना कारोबार चला रहे हैं और इन्हीं से पूछेंगे इस 45 डिग्री सेल्सियस में लोकसभा चुनाव में किस कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहलुल्ला। कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से हैं, तो सबसे पहले सवाल ये कर लेता हूँ, नीतीश कुमार पसंद है आपको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कारण बताएंगे क्यों? वो पलटू राम है। अच्छा, ये पलटू राम बहुत ज्यादा बोला जा रहा है, क्यों ऐसा क्यों? कितनी वो कभी मतलब कांग्रेस में चलाता है, कभी जहाँ भीड़ खीर देखते हैं वहीं भीड़ लगा देते हैं। अच्छा, हाँ। अगर कहा जा रहा है कि इस बार अगर बीजेपी फिर से हारती है तो फिर से पलटेंगे? वो फिर कांग्रेस में आ जाएगा। अच्छा, उसका निश्चित बात है, वो कांग्रेस में फिर आएगा। अच्छा, वो पलटू नहीं होते तो फिर कैसे थे वो? वो अगर पलटू अगर नहीं होते तो बहुत बढ़िया नेता है। वो काम हम सब बढ़िया किया, बहुत अच्छा काम किया। बाकी वो इतने ही इसमें है जो मतलब वो कभी इधर कभी उधर, मतलब वो अलट पलट करते मतलब ही रहता है। जहाँ पे दिखेगा वहाँ जाएंगे। जहाँ भीड़, वो जहाँ खीर देखते हैं वहीं भीड़ लगा देते हैं। क्या बात है। अगर मैं कोई बात करूँ दिल्ली की, दिल्ली में जैसे 7 सीटों पर चुनाव है और अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही चुनाव हुआ, तो क्या लग रहा है कि किसकी सत्ता जाती हुई दिख रही है, किसकी सत्ता आती हुई दिख रही है? केजरीवाल का आएगा, कन्फर्म है? जी बिल्कुल कन्फर्म है, 7 का 7 पूरे बहुमत। कारण? कारण मतलब वो उनसे सभी आदमी जो है बीजेपी वाले से मतलब दुखी है। बीजेपी तो कहती है हम तो सबका साथ सबका विकास। जी नहीं, जी नहीं, ऐसा वो अपना कुछ भी कहता वो सारा झूठा अल्फाज है उसका। झूठा अल्फाज है। अच्छा, 15 लाख की कहीं ना कहीं बात की थी खाते में। 15 लाख का वो किसके खाता में आ गया अभी, ये देखिए आप। वो ऐसे ही मतलब झूठे ही उसका खेती है, वो कोई 15 लाख नहीं आएगा। 2 करोड़ रोजगार की भी बात करी थी, वो कितने रोजगार का कितने मतलब उसका खेती है वही है, बाकी उससे कुछ होने वाला नहीं। वो तो कहते हैं हम तो गरीबों को देख के चल रहे हैं, गरीबों के लिए सब कुछ। जी नहीं, जी नहीं, गरीबों को क्या देखेगा वो? गरीब को कुछ नहीं देखेगा वो, अडानी अबानी को देख सकता है। अच्छा जी, और उसके अलावा कोई दोस्त नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ दूसरी तरफ की, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, क्या लगता है काबिल? वो देश के लिए वो ठीक है, वो चला लेगा, देश चला लेंगे जी, वो पक्का निश्चित। उसका खानदानी मतलब प्रॉपर्टी है उनके पास, वो चला लेगा सप्ताह। बाकी और कोई उसके बस की बात नहीं है, वो 9 साल में मतलब देख लिया बीजेपी वाले को कि उसको नीतीश जो प्रधानमंत्री को, बाकी वो बस लड़ाने ही काम करते हैं। किस चीज़ का लड़ा रहे हैं? हिंदू मुसलमान कभी इधर उधर मतलब करते रहते हैं, करते रहते हैं। मतलब हाँ, जो जैसी बात कही आपने हिंदू मुसलमान की, ये बीजेपी पे एक आरोप लगता जा रहा है कि वो सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की राजनीति करते हैं। और किस चीज़ की राजनीति नहीं है वो? इसके लिए मतलब क्या कहते हैं, बीजेपी के लिए जो है ना वो आदमी सही नहीं है। अगर वो सही रहता तो किसी हाल में वो नहीं जाता। हाँ, तो अगर मैं वहीं पे बात करूँ, अगर राहुल गांधी की, जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो नया यात्रा चलाई थी, क्या लग रहा है उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, इंसान कैसे, सबको फ़ायदा होगा, किसान मजदूर को सबको फ़ायदा होगा। इससे पहले भी तो कांग्रेस चलाया था हुकूमत को, ये बीजेपी से पहले भी तो मतलब वो कांग्रेस ने चलाया था ना सरकार। हाँ। अच्छा, कहा जा रहा है कि 70 साल में विकास हुआ था या 10 सालों में हुआ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 70 साल का वो विकास दूसरा था। हाँ। अभी का दूसरा है। उस टाइम में महंगाई वो कम, आमदनी कम था, और अभी तो आमदनी ज़्यादा है, तो अभी कौन सा ज़्यादा विकास कर दिया उसने। अच्छा, महंगाई एक चरम सीमा पे है, तो क्या लग रहा है महंगाई कुछ राहत मिलनी चाहिए? महंगाई राहत होगी अगर यह कांग्रेस अगर जीत जाता है तो, मतलब 100% सारे चीज़ में मतलब कम कर देंगे, पब्लिक को फ़ायदा होगा, पब्लिक को फ़ायदा होगा जी। लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे 700 का गैस सिलेंडर था 1200 हो गया है, कहा जा रहा है कि वो कुछ कम होगा, 400-500 पे आएगा अभी सिलेंडर फिर से कांग्रेस अगर आ गया ना तो ये फिर से मतलब 400-500-600 पे आएगी 100%। बिहार में किसी सत्ता बनते देख रहे हैं? बिहार में मतलब वो तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव लग रहे हैं जी, काबिलियत है उनमें, बहुत काबिलियत। अच्छा, यहाँ पे दिल्ली में कहा जा रहा था कि एक सीट पे जो सबसे ज़्यादा चर्चे में थी सीलमपुर की, मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार, तो दोनों में से कौन लग रहा है? कन्हैया कुमार निकलेगा वहाँ से। मनोज तिवारी क्यों नहीं? वो नहीं निकल पाएगा, वो बीजेपी का आदमी है ना। कारण? वो गंगा नहीं साफ कर पाया तो वो क्या निकलेगा। अच्छा, वो कन्हैया कुमार करके दिखाएगा। कन्हैया कुमार बढ़िया है। हाँ बढ़िया। केजरीवाल जी जैसे कहा जा रहा है कि 2 तारीख को फिर से हिरासत में जाएंगे, वो हिरासत में जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर आ जाएगा, उसका पार्टी बहुमत बनेगी फिर आ जाएगा वो।
लग रहा है दिल्ली में जीतेंगे? दिल्ली में तो 100% उसका है ही है केजरीवाल का, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। सातों सीट उन्हीं की है समझ लो। उन्हीं की है। सर क्या नाम है? शिवकरण। कहाँ से? यूपी से। यूपी में कहाँ? कानपुर देहात। क्या बात है, मतलब यूपी की छोटा नहीं है ना, यूपी बहुत बड़ा है। जीतेगा कौन? हमारे यहाँ तो अखिलेश निकलेगा। अखिलेश यादव जीतेंगे? कारण? कारण का बीजेपी ने क्या किया है यार, जितनी नौकरी थी सारी खा गया, और क्या करेगा। अच्छा, युवा बड़ा परेशान है नौकरी को लेके, कहा जाता है कि नौकरी नहीं है। तो यहाँ पटरी पे खड़े हैं, ग्रेजुएशन कम्प्लीट भैया, तब तो यहाँ धक्के खा रहे पटरी पे। अच्छा, ग्रेजुएशन कम्प्लीट, बीजेपी सरकार ने तो कहा था कि 2 करोड़ रोजगार मिले। अरे कुछ नहीं, वो अपनी गाना भर रहा है और कुछ नहीं है। शब्दों का थोड़ा चयन सही से कीजिए, क्योंकि शब्दों का प्रयोग सही से करेंगे। वो नहीं जीतेगा वहाँ से, वो यहाँ से, वहाँ से नहीं जीतेगा। तो यहाँ से कौन जीतेगा दिल्ली से? यहाँ से तो केजरीवाल निकलेगा। कन्फर्म है? कन्फर्म है। आपकी जो 400 बार के नारे लग रहे हैं, 400 बार के नारे लग रहे हैं, वो तो कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं, सब झूठे हैं। सब झूठे हैं। अच्छा, 25 तारीख को वोट था, कहाँ पर दिया आपने वोट? हम तो गांव डालने गए थे। गए थे अखिलेश को? अखिलेश को डालने लग रहा है इस बार अखिलेश की सरकार। अखिलेश निकलेगा? कन्फर्म? कन्फर्म, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर।